हाय फ्रेंड्स, कई बार हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या न्यूज़ में जो पढ़ते हैं उसे सच मान लेते हैं। एक्चुअली हमें पता नहीं है कि ये बात सच है या झूठ, पर हम कहीं दो तीन जगह एक ही बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम उसे सच मान लेते हैं, औरों को भी बताते हैं। इससे मिथ क्रिएट होता है, मान्यता क्रिएट हो जाती है। मैंने भी एक बात पढ़ी थी कि जब आप एटीएम में हो और आपको कोई चाकू की नोक पर या गन दिखाकर पैसे निकालने को कहे तो आप अपने एटीएम का पिन नंबर उल्टा डाल दे तो तुरंत ही पुलिस को मैसेज पहुंच जाएगा और आप लूट से बच सकते हो। लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा, मेरे बैंक के कई मित्र हैं, मैंने उनसे भी पूछा, लेकिन किसी को सच का पता नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि सच क्या है? चलिए देखते हैं। आज हम हैं एक बैंक के एटीएम में। हमारा फोकस एटीएम है, बैंक नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ से पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। तो पहले हम ये जो एटीएम कार्ड है वो सही है और चल रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है, मतलब ये कार्ड सही है। अब हम उल्टा पिन डाल कर चेक करते हैं। ये हमने उल्टा पिन नंबर डाला। बैलेंस इंक्वायरी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं अभी ट्रांजेक्शन वॉज कैंसल्ड, पिन एंटर वॉज इनकरेक्ट, क्योंकि ये गलत पिन है। 3 बार गलत पिन डालने से आपका एटीएम ब्लॉक हो सकता है। ओके, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था उसका आंसर हमें क्या मिलता है, चलिए वेट करते हैं। अब 15 मिनट के ऊपर हो गया है और यहाँ पर कोई भी आया नहीं है, ना कोई पुलिस स्टेशन से या ना कोई बैंक से। मतलब ये है कि हमने जो बातें सुनी है वो गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से 15 मिनट में कोई भी आराम से लूट कर भाग सकता है। तो आप ऐसी गलतफहमी में ना रहे कि आपकी मदद के लिए कोई आएगा, आप अपनी मदद खुद करें। ऐसे एटीएम में ना जाए जहाँ सिक्योरिटी गार्ड ना हो, अंधेरे में, आधी रात को या सुनसान जगह के एटीएम को यूज करने से बचें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और ऐसे ही जानकारी सबर वीडियो में आपको पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद।